हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाउ स्किन साइंस के बेस्ट प्रोडक्ट्स। मैं बहुत सारे वाउ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हूँ एंड मुझे लगा आप लोगों के साथ उनके जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स है या फिर जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स है वो मैं शेयर करूंगी। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आते हैं सीरम्स के ऊपर। सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मेरा पर्सनल जो रेंज फेवरेट है वो है उपटन रेंज, चारकोल रेंज। ये दो रेंज मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड उपटन सीरम भी मेरे एकदम यहाँ तक आ चुका है, ये खत्म होने ही वाला है। सो दिस सीरम इज ऑल्सो रियली नाइस, लेकिन ये ज्यादा थिक नहीं है, ये बहुत ही बहुत अब्सॉर्ब कर लेता है इजिली स्किन में। और ये ऐसा नहीं कि आपके स्किन को ऑयली ऐसा बनाएगा, ये जस्ट एप्लीकेशन के कुछ मिनट बाद ही स्किन में पूरा अब्सॉर्ब हो जाता है। सो इसको अप्लाई करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना होगा, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो। सो दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स डेफिनेटली। ये आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं बनाता और थोड़ा सा अब्सॉर्ब करने की वजह से थोड़ा सा ड्राइंग हो जाता है, बट दिस इज रियली इफेक्टिव। अंदर से स्किन में वो ब्राइटनेस ये देता है। नेक्स्ट आई हैव दिस वाउ स्किन साइंस रेटिनॉल फेस सीरम। इसके ऊपर भी मैंने हाल ही में ही एक वीडियो शेयर किया था, ये भी काफी अच्छा है और ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में है, येट ये इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये आप सिर्फ रात में ही इस्तेमाल करें, सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम नाइट सीरम देन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सीरम्स जो आप सिर्फ अपने कुछ एरियाज पर ही अप्लाई करेंगे जहां पर आपके इश्यूज है, जैसे ये वाला वाउ स्किन साइंस ऑयल फ्री ब्लेमिश केयर फेस सीरम। तो ये आप सिर्फ जहां पर आपके ब्लेमिशेस है या फिर डार्क स्पॉट्स है सिर्फ उस एरिया पर आप इसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा पैट करेंगे, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप अपने फेस पर मॉइस्चराइजर एंड ऑल अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो रियली इफेक्टिव, आपके डार्क स्पॉट्स को ये रिड्यूस करता है। और नेक्स्ट आई हैव दिस एंटी एक्ने फेस सीरम। ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्ने पर या पिंपल्स पर अप्लाई करना है, जस्ट पैट कीजिए एंड देन ड्राई होने पर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। चारकोल रेंज का जो फेस वॉश है वो काफी अच्छा है और इसमें छोटे छोटे चारकोल की तरह बीट्स है जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग मुझे फील होता है। और ये चारकोल फेस स्क्रब भी काफी अच्छा है, ये अगर आप यहाँ पर अगर नोज के चारों ओर लगाएंगे तो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, विच इज गुड। और डेड स्किन सेल्स तो रिमूव होता ही है, स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होता है। सो ये दो प्रोडक्ट्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। इस फेस वॉश को मैं करेंटली इस्तेमाल भी कर रही हूँ एंड जब भी स्क्रबिंग करना होता है आई ऑलवेज प्रेफर दिस वन एंड यूज दिस वन। ऑल स्किन टाइप्स के लिए दीज टू प्रोडक्ट्स आर रिकमेंडेड, स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि उनके लिए ये चारकोल रेंज काफी अच्छे से वर्क करेगा। नाउ एप्पल साइडर विनेगर जो रेंज है वो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि उसका जो मॉइस्चराइजर है वो काफी अच्छा है, बहुत ही मिनिमम लगता है मॉइस्चराइजर एंड वो स्किन पर आप मसाज करेंगे तो स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, ऑयली फिनिश भी नहीं देता, ड्राई भी नहीं बनाता। सो दिस मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो रियली गुड। नेक्स्ट है ये फोमिंग फेस वॉश, ये बिल्ट इन ब्रश के साथ आता है, सिलिकॉन ब्रिसल्स है, तो ये फेस वॉश भी अच्छा है, स्किन ऑयली होने पर आप इसे इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। और ऑल्सो आई हैव दिस विटामिन सी फेस वॉश जिसका पूरा खत्म हो चुका है, इसका हालत भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बट आई हैव जस्ट सेव्ड दिस कंटेनर फॉर द वीडियो ओनली। वाउ स्किन साइंस की जो एप्पल साइडर विनेगर है तो उसको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास ये एप्पल साइडर विनेगर है और ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। एक्चुअली ये मदर ऑफ विनेगर है, सो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है, यू कैन ट्राई दिस वन। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है देन यू कैन गो फॉर दिस वन। मुझे लगा था कि मैं ले पाऊंगी लेकिन इतना ज्यादा टैंगी सा होता है, मैं कोई भी टैंगी सा चीज मॉर्निंग में नहीं ले पाती हूँ, सो आई यूज दिस फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर। नाउ आई विल शेयर सम टोनर्स एंड मिस्ट फ्रॉम वाउ स्किन साइंस। जो सबसे पहला है वो है ये 10-in-1 मिराकल एप्पल साइडर विनेगर टोनर, जो आप स्किन पर भी मिस्ट टॉनिक है ये, तो आप फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हेयर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज रियली गुड फॉर स्किन एंड हेयर। मैं तो इसे डेली बेसिस पर इस्तेमाल करती हूँ आफ्टर मेकअप एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड बिफोर मेकअप, क्योंकि इसको एज अ टोनर इस्तेमाल करने से पोर्स जो है वो क्लोज हो जाता है, ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है एंड आई वुड से कि ये ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, एक्ने प्रोन के लिए स्पेशली ये है। सो ऑल स्किन टाइप्स कैन डेफिनेटली यूज दिस, हाईली रिकमेंडेड फॉर माई साइड, क्योंकि ये काफी अच्छा है और इसे आप हेयर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। डैंड्रफ हो रही है हेयर पर तो आप हेयर
स्कैल्प पर इसे स्प्रे कर सकते हैं, इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी चली जाती है. सो दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट आई वुड से. नेक्स्ट ये है मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल. ये भी बहुत लाइट वेट है, तो अगर आप हेवी सा ऑयलिंग नहीं चाहते हैं देन आप इस लाइट वेट ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ही लाइट वेट है स्कैल्प पर और बहुत नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है स्कैल्प पर एंड हेयर्स पर. सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन. नेक्स्ट एक माइसिलर वाटर मैंने ट्राई किया है. ये कोकोनट क्लैरिफाइंग माइसिलर वाटर. इससे आप जस्ट अपने फेस पर स्प्रे कीजिए, ये एक स्प्रे फॉर्म में है एंड जस्ट कॉटन या वाइप लेकर आप जस्ट वाइप कर लीजिए अपने फेस को, पूरा मेकअप रिमूव हो जाता है. आईज पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है. सो दिस वन इज वेरी यूजर फ्रेंडली और बहुत अच्छा लगता है मुझे इसे इस्तेमाल करना. नेक्स्ट ये एक यूवी वाटर स्प्रे है SPF 30 का और ये बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम आप इसे ले जा सकते हैं. आपको एक बेस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जो SPF 50 का है वो थोड़ा सा क्रीम बेस्ड है, तो आप उसी अपने बेस पर अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप यू नो मेकअप कीजिए एंड फिर आप इसे स्प्रे कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी यू नो हैंडी एंड नेसेसरी प्रोडक्ट आई वुड से. और इसका जो SPF 50 वेरियंट है वो भी मेरे पास था लेकिन वो मेरा खत्म हो चुका है. मैंने बहुत इस्तेमाल की है उसे और इसे मैं थोड़ा सा बचा बचा कर रख रही हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर जाऊंगी व्हेन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल तब मैं इसे इस्तेमाल करूंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाउ स्किन सेंस एलोवेरा जेल. तो एलोवेरा जेल आप सभी को पता है कि बहुत फेमस है ये एलोवेरा जेल एंड मेरा सिर्फ इतना सा ही बाकी है, बाकी आई हैव फिनिश्ड दिस टोटली. तो ये एलोवेरा जेल आप स्किन पर हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं. अगर कहीं पर कट हो जाए या फिर रैश हो रही है बॉडी में तो वहां पर आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इन द प्योर फॉर्म. नेक्स्ट आई हैव दिस वाउ स्किन सेंस विटामिन सी नाइट जेल. तो ये एक स्लीपिंग पैक जैसा है आई वुड से. आप इसे रात पर ही सिर्फ नहीं, आप दिन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फेस पर. फेस को थोड़ा सा ग्लोइंग भी बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे पैकेजिंग में भी आता है. नाउ आई हैव दिस वाउ स्किन साइंस एलोवेरा स्लीपिंग पैक. तो ये आप रात को सोने से पहले फेस पर अप्लाई कीजिए और इसको ना अब्सॉर्ब होने के लिए आप छोड़ दीजिए, जस्ट अप्लाई करके रख दीजिए और ये अब्सॉर्ब हो जाएगा. देन जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे अपनी स्किन को बहुत ही क्लियर एंड सॉफ्ट फील होता है. सो दिस इज द स्लीपिंग पैक. आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली इफ यू आर इनटू स्लीपिंग पैक्स एंड ऑल. नाउ नेक्स्ट आई हैव दिस वाउ स्किन साइंस हाइड्रेटिंग आफ्टर सन सूदिंग जेल. तो ये एक्चुअली सन में अगर आप जाते हैं तो कई बार आपके रैशेस हो जाते हैं या फिर सनबर्न्स हो जाते हैं, तो धूप से आने के बाद आप फेस को वॉश करने के बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं. इससे जो भी रेडनेस एंड रैशेस होता है वो सब ठीक हो जाता है. सन से जो भी प्रॉब्लम्स आपको स्किन को होता है सब कुछ ठीक हो जाता है इससे. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट. आप अगर ज्यादा धूप में बाहर निकलते हैं या फिर रिएक्ट करता है आपका स्किन बहुत ही ज्यादा देन यू कैन ट्राई दिस वन. नेक्स्ट आई हैव दिस वाउ स्किन साइंस एलोवेरा लिफ्ट एंड फॉर्म जेल. तो इसका जो पैकेजिंग है आई वुड से दिस इज मस्ट हैव, क्योंकि इसका पैकेजिंग काफी अच्छा है. रोल ऑन ऐसे इस तरीके से ये आता है, बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है एंड इससे आप अपने फेस पर मसाज भी दे सकते हैं विच इज रियली गुड. तो आप इस एलोवेरा जेल को इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं. इसकी पैकेजिंग की वजह से आई वुड से कि आप अगर एलोवेरा जेल खरीदना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट एलोवेरा फेस वॉश मेरे पास नॉर्मल पैकेजिंग में इस तरीके के पैकेजिंग में है. तो आप इस एलोवेरा फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन या एक्ने प्रोन है. ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये है क्योंकि इसमें ये एक हाइड्रेटिंग फेस वॉश है एंड एलोवेरा स्किन में रिएक्ट भी नहीं करता. यू कैन डेफिनेटली यूज दिस. इसका फ्रेग्रेंस मुझे काफी अच्छा लगता है एंड ये पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छा है. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर इसी तरीके के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. वीडियो हेल्पफुल होने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और इनमें से कौन से प्रोडक्ट के आपके क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय.